हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 50 करेंगे। ये इंग्लिश की है, क्लास 9th की है। 23 दिसंबर की स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड वर्कशीट है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जान चुके हैं कि जो हमारी जो स्टोरी है उसके मेनली चार पार्ट होते हैं। कैरेक्टर्स जो उसमें वर्क करते हैं, सेटिंग जो वहाँ पे जैसे कि सेटिंग की जाती है स्टोरी की पूरी, प्रॉब्लम जो कि उसमें परेशानी होती है, जो कि दिक्कत होती है स्टोरी में, एक स्टोरी में दिक्कत होती है ना, फिर उसका सल्यूशन होता है। तो इस तरह से अब आपको ये चार कंपोनेंट्स को याद रखना है और एक अपनी स्टोरी को डेवलप करना है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, आपको राइट करनी है एक शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी जो कि डेवलप करनी है, जिसमें आपको आइडिया जो आपको गिवन है इससे। तो ये आपकी स्टोरी 150 टू 200 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, विंडोज डिस्प्ले एंड टॉय शॉप, क्रिसमस राउंड द कॉर्नर, थेफ्ट, अलार्म साउंडेड, नो क्ल्यू फाउंड, पीपल नॉन प्लस्ड, लिटिल बॉय स्पॉट द डिफरेंस इन विंडो डिस्प्ले लीडिंग टू अरेस्ट, इस तरह के क्लूज। तो बेसिकली ये कैसे लिखते हैं, तो आपको डेवलप करना है, राइट करनी है एक स्टोरी जिसमें जो नरेट करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा हो। आपको इंसिडेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर इसका एक कंक्लूजन, एक सल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले शुरुआत एक अच्छे वे में करेंगे, जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे क्या थी, जगह के बारे में बताएंगे। तो कंस्ट्रक्ट करनी है आपको स्टोरी, पर आपको ये भी याद रखना है आपके पास लिमिटेड वर्ड्स हैं। तो बिगेन करनी है और एंडिंग और जो बिगनिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए एक स्टोरी की, तभी जो एक पर्सन है उसे स्टोरी देखना पसंद आएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो विंडो डिस्प्ले इन द टॉय शॉप हैविंग मैनी टॉय डिस्प्लेड देयर, तो हम अभी ये स्टोरी बनाएंगे खुद। तो जो विंडो थी वो डिस्प्ले हो रही थी एक टॉय शॉप में, जिसमें बहुत सारे टॉय थे एंड वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, दैट एनी किड कैन ईजली अट्रैक्ट, कि हर किड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ड्यूरिंग द दिवाली सीजन, एक बार दिवाली के सीजन में, देयर वर टू मच क्राउड, बहुत ही क्राउड था, भीड़ भाड़ थी, एंड जो सभी स्मॉल किड्स थे वो चिल्ला रहे थे खुशी से। देन तभी थेफ्ट अलार्म साउंड, एक चोरी का अलार्म बजता है फ्रॉम द टॉय शॉप अबाउट 2 और 3 ब्यूटीफुल डॉल्स, जो कि 2 और 3 ब्यूटीफुल डॉल्स थी वो चोरी हो गई थी, जो कि डिस्प्ले की जा रही थी नियर द विंडो डिस्प्ले। तभी पुलिस आती है, दे ट्राइड देयर बेस्ट बट बाय द नू, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया पर जो क्लू थे वो नहीं मिले। आफ्टर जो लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस जो थी वो बहुत ही पजल हो गई कि ये बड़ा अजीब सा केस हो गया। उन्होंने शॉपकीपर से कहा दैट दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एनी मोर, वो आज तो कुछ नहीं कर पाएंगे बट कल फिर आएंगे और क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे। आफ्टर अ फ्यू मिनट, एक मिनट के बाद जो एक लड़का था उसे एक डिफरेंस दिखता है और वो कहता है व्हेन आई वाज हियर, जब मैं यहाँ पे था, व्हेन द डॉल वाज स्टोलन, जब जो गुड़िया थी वो चुराई गई थी, विंडो डिस्प्ले लॉक्ड, ये भी जो विंडो डिस्प्ले थी ये लॉक थी, व्हेन देयर इज इट इज नॉट लॉक्ड नाउ, पर ये अब लॉक नहीं है, That small boy has given a great clue. इससे एक बहुत अच्छा क्लू मिला और पुलिस उनको अरेस्ट कर पाई। तो जब अगले दिन पुलिस आती है उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कुछ फिंगर प्रिंट्स की, एंड वो क्या देखते हैं, जो प्रिंट्स थे वो एक स्मॉल बॉय के थे, दे स्टार्ट मैचिंग इट, वो उसे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद वो देखते हैं कि ये जो थे ये एक पुअर फैमिली के लड़के के थे, ही वॉज सेंट टू द शॉपकीपर, और वो शॉपकीपर के पास जाता है, बट द शॉपकीपर इतना जेंटल और काइंड था कि वो फॉरगिव कर देता है पुअर बॉय को एंड उसे बहुत सारी ब्यूटीफुल डॉल्स गिफ्ट दे देता है। तो इस तरह से आप स्टोरी लिखेंगे। तो वो बच्चा बहुत ही गरीब थे, जिसपे जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो दया कर देता है और उसे छुड़वा देता है और कहता है उसको बहुत सारे डॉल्स देकर थैंक यू। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट को करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर लें। बाय एवरीवन।